हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जो 7 जुलाई सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर उस परीक्षा को पास होना है तो ये पांच गलतियां जो मैं आपको बताने वाली हूं, भूलकर भी ना करें आप लोग। तो ये पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को खास ध्यान में रखना है। तो सीटेट की तैयारी में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट कदम है, चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है सीटेट की तैयारी में। इन बातों का रखना है आप लोगों को ख्याल, जो 7 जुलाई को सीटेट की परीक्षा होने वाली है यह अलग अलग 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समेत बहुत सारे सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की यह पात्रता परीक्षा होती है। यह परीक्षा पास करने के बाद आप इन स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्त हो सकते हो। इस बार की परीक्षा के लिए CBSE ने अपनी वेबसाइट पर सीटेट का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आप लोग उनकी वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कम दिन अब बचे हैं इन परीक्षाओं में। ऐसे में परीक्षार्थियों की जो तैयारी वो लोग कर रहे होंगे वो भी जोरों पर होगी। लेकिन अच्छी तैयारी के बावजूद हम लोग कई बार ऐसे परीक्षा पास करने में चूक कर जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बता रहे हैं जिससे आपको ज़रूर बचना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइम शेड्यूल क्या होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो चरणों में पेपर होगा। जो प्रवेश का समय है वो सुबह 8 बजे होगा और 12:30 बजे सेकेंड पेपर के लिए टाइम होगा। तो ये है हमारा शेड्यूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बातों का आपको ख्याल रखना है जिसके लिए मेन ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को हल्के में ना लें, इस पर खास ध्यान दें। ये विषय काफ़ी उलझाने वाला होता है, इस तरह से कठिन भी होता है ये एक तरह से। हम लोग माने इन विषयों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, इसलिए प्रश्नों को पढ़ने से जो आंसर देने से पहले बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर जवाब दें। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि सवाल पढ़ने में आसान लगते हैं कि हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसा आपके साथ ना हो और आते हुए भी आप जल्दबाजी में गलती ना कर जाएँ, इसके लिए ध्यान देना है आपको क्वेश्चन पे शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीटेट के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को नज़रअंदाज ना करें। सबसे ज़रूरी है कि उम्मीदवार बचे हुए इस समय को कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करने में लगाए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्नों की जटिलता क्या है और पूछने का तरीके का भी अंदाज़ा आपको लग सकेगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट का नियमित अभ्यास करें, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट है ये सीटेट जो आयोजित हो रहा है इसके लिए अभ्यर्थी रोजाना कम से कम एक मॉक ऑनलाइन टेस्ट का अभ्यास जरूर करें। इससे आप कंप्यूटर मोड की परीक्षा को समझ सकेंगे कि कंप्यूटर पे हम ऑनलाइन परीक्षा कैसे दे सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और इससे आपके परीक्षा के दौरान जब प्रश्नों को हल करने की स्पीड भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट, परीक्षा के समय दूसरों से अपनी तुलना ना करें। जब भी आप परीक्षा की तैयारी करते हो तो आप और परीक्षा दे रहे होते हो तो कभी भी दूसरों की तरफ ना देखो, ये ना देखो कि उनकी तैयारी कितनी हुई है और आपकी कम है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मोमेंट आ सकता है कि जो क्वेश्चन आपने तैयार किए हो वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो कभी भी दूसरों से अपने आप को ना आके, इससे आपका फोकस भी बिगड़ेगा, आत्मविश्वास भी कम होने का डर रहता है। और इन दोनों ही परिस्थितियों में अपनी तुलना दूसरों से करने से बचें। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसमें पॉइंट आएगा वो आएगा जवाब का सेक्शन खाली ना छोड़ें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी सवाल में जवाब का सेक्शन खाली बिल्कुल ना छोड़ें। क्योंकि अंत समय में कमी होने पर, जब समय की आप लोगों को कमी होती है तो आपके आते हुए सवाल भी छूट सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि इसमें दो ऑप्शन, अगर दो में से आपको एक ऑप्शन सही लग रहा हो तो आप उसी समय लगा दें। अगर आपको टाइम हो तो बाद में आके आपके दिमाग में रहेगा कि वो क्वेश्चन मुझे चेक करना है, तो आप कर सकते हैं। बट लास्ट टाइम में समय की कमी हो जाती है इस पेपर में, इसलिए आपको इसके पेपर आपका छूट सकता है और इसका सीधा असर आपके अंकों में पड़ेगा। ये जो खास बातें हैं आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज़ें बिल्कुल ले जाना ना भूलें। एक दिन पहले पेपर की ये सब चीज़ें अपने रख लें ताकि परीक्षा के दिन हड़बड़ी के समय कोई भी ज़रूरी सामान छूट ना जाए। उम्मीदवार अपने साथ ओरिजिनल एडमिट कार्ड रखें, 2 काले और नीले बॉल पेन रखें, ID प्रूफ जरूर रखें।
तो ये थी कुछ खास बातें सीटेट जो 7 जुलाई को होने वाला है उसके लिए। तो हमारे चैनल आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और ऐसे ही खास वीडियो मैं आपके लिए आगे लाती रहूँगी, जो हमारी सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।